वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे इस एपीसोड दे विचकार असी दर्शकों का स्वागत करते हाँ। दर्शकों आओ बनिए गुरसिख प्यारा प्रोग्राम तुहाडे प्यार सदका इस वेले दुनिया भर के नवाजिया जा रहा है। इहदा सारा का सारा श्रेय जिथे अकाल पुरख नूं जांदा है उत्थे साडे दर्शकों नूं भी जांदा है। इस प्रोग्राम के राही असी कोशिश करते हैं कि गुरमत गुरबाणी और सिख इतिहास असी जुड़े हुई जिहड़ियां घटनावां ने उन्हां दा जिक्र करिए। देशां विदेशां च बैठे हुए साडे वीर भैण जिन्हां दे अंदर एक चर्चा चल पई सी कि सरूप सिखी सरूप के अंदर वह कितने अपनी जिंदगी का टीचा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वह सिखी सरूप से रहिंदिआं होइआं भी टीचा प्राप्त कर रहे हैं। इत्थे असी गल अज करन जा रहे हाँ कि इन्हां दिनां विच बहुत चर्चा है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के चार साहबजादों की शहादत। वह पोह का महीना ठंड के दिन माता गुजरी जी के नाल छोटे साहबजादे दोनों और गुरु कलगीधर पातशाह के नाल वड्डे साहबजादों की शहादत। जंगे मैदान के अंदर पिता के दिते हुए गुरु साहब के दिते सिद्धांत को पूरा करते हुए वह शहादत का जाम पी जाते हैं। छोटे साहबजादे अपनी दादी माता गुजरी जी के नाल ठंडे बुरज समा तो कट लेंगे ने, लेकिन डोलते नहीं। अज लोड़ है अपने बच्चियां नूं असी उस सरहंद की कंध दिखाइए जिस कंध के विचकार वह नन्ने नन्ने बच्चे जिहड़े ने उन्हां नूं दीवारां च चुन के शहीद कर दिता गया। इतिहास दीआं वह चीज़ां ने जिहड़ियां साडे बच्चियां नूं जाननिया बहुत जरूरी ने। दुनिया भर दीआं थावां दिखाउण वास्ते बच्चों ले जाओ, एक्सप्लोर करना चाहिए है, लेकिन सरहंद की कंध नूं चमकौर की गढ़ी नूं भुलना नहीं चाहिए। तो अज की प्रतियोगिता शुरू करने वास्ते साडे कोल पिछले हफ्ते के रोल ओवर प्रतियोगी हैं सरदार प्रभजोत सिंह जी। प्रभजोत सिंह जी जी आया नूं वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। प्रभजोत सिंह जी मैं तुहानूं भी दस रहा ते दर्शकों भी दस रहा याद करा रहा कि पिछले हफ्ते तुसी दो प्रश्नों के उत्तर दे चुके सो और तीसरा प्रश्न आप जी लई तैयार है। कि आप जी तैयार हो? हाँ जी। तीसरा प्रश्न कोट कपूरा तो पंजाब तो प्रभजोत सिंह जी वास्ते उन्हां दी स्क्रीन ते। ये ऑडियो क्वेश्चन है, आनंद साहब जी की बाणी की तुक है, आप जी ने इस नूं पूरा करना है। ऑडियो क्लिप ऑन कीती जा रही है। कहदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आंख बखाणी। समा शुरू हो गया। हर हर नित करे रसना कहया कछु ना जानी। देखदे हां कि कंप्यूटर जी तुहाडी इस जवाब दे नाल सहमत है नहीं कि नहीं। तुहाडा उत्तर ठीक है और सानूं साडे दर्शकां नूं तुसी पूरी दी पूरी तुक जड़ी है अपनी मधुर आवाज से बड़े आराम नाल पढ़ के सुनाने की कृपालता करो। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्चे आंख बखाणी, हर हर नित करह रसना कहया कछु ना जानी। तो तुहाडा उत्तर बिल्कुल ठीक है। असी वधांगे हुण चौथे प्रश्न वल। चौथा प्रश्न आप जी दी स्क्रीन ते है, इत्थे तुसी बाणी दी तुक देख रहे हो और उस बाणी दी तुक विच अपरंपर शब्द नूं हाईलाइट कीता है। उस शब्द दा थले दित्तियां होईयां ऑप्शन दे विचकार तुसीं किहदे नाल जाना चाहोगे? ए बहुत घट, बी परंपरा, सी प्रस्तुत और डी बेअंत। ऑप्शन नंबर डी बेअंत। बेअंत ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी नूं लॉक कर दईए? हाँ जी। ऑप्शन डी नूं लॉक करके देखते हैं कि प्रभजोत जी का उत्तर कितों तक ठीक है। बिल्कुल ठीक उत्तर है, बेअंत। ये शब्द का जिहड़ा पाव अर्थ है वह बेअंत ही है। सो वधांगे इस भाग के पहले भाग के आखिरी प्रश्न वाल। पंजवां प्रश्न आप जी की स्क्रीन पर। नौजवान सिख अचीवर की पहचान करो, आइडेंटिफाई द यंग सिख अचीवर। तुहानू एक चित्र दिखाया जा रहा, आप जी ने जवाब देना है कि यह चित्र किन्ना दा है।
ऑप्शंस ने अनिलजीत सिंह, बी एकम सिंह, सी जप गोविंद सिंह, डी सरदार जगमीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी जप गोविंद सिंह। ऑप्शन सी नु लॉक कर दें और देखते हैं कि प्रभजोत सिंह जी लेवल वन नु पार कर गए ने कि नहीं। बिल्कुल ठीक जप गोविंद सिंह, थोड़ा बिल्कुल ठीक उत्तर है गया। असी दर्शकों नु ये दसना चाहवांगे कि जप गोविंद सिंह ने किस तरीके दे नाल अपनी महारत हासिल की थी। आओ बनिए गुर सिख प्यारा। कैनेडियन सिटीजन जप गोविंद सिंह एंड अमृतधारी सिख फ्रॉम जालंधर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बिकम ए सोलो पायलट एट द एज ऑफ 60। एट द एज ऑफ 16 ही रिपोर्टेडली स्टार्टेड हिज पायलट ट्रेनिंग इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड आफ्टर ट्रेनिंग इन अल्बर्टा एंड ऑन्टारियो हिज फाइनल ट्रेनिंग वॉज कंप्लीटेड इन क्यूबेक। ही हैज स्पेशल इंटरेस्ट इन गतका, कीर्तन, तबला एज वेल एज स्पोर्ट्स। सानू मान है और साड़ी आओ बनिए गुरसिख प्यारा दी टीम वालों इस नौजवान नू भी वधदे हुए इस स्टार नू असी सल्यूट करते हाँ। हुण तुहानू मुबारकबाद दे रहे हैं प्रभजोत सिंह जी कि तुसी पहला लैवल सफलतापूर्वक पार कर लिया। हुण समा वध के 60 सैकेंड हो जाना और एक लाइफलाइन तुहानू होर मिल गई है, वह हैगी 50-50 दी। तो छेवां प्रश्न आप जी दी स्क्रीन। गुरु तेग बहादुर साहिब दे समय केड़ा सिख दखनी एशिया दा सब तो अमीर व्यक्ति सी? तुहाड़ियां ऑप्शन ने ए भाई मक्खन शाह लुबाना, बी भाई मनी सिंह, सी भाई दयाला जी, डी भाई लखी शाह बंजारा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा ते इसके लिए मैं लाइफलाइन लेना चाहना। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हो तो एक्सपर्ट एडवाइस वास्ते आज साढ़े नाल सरदारनी गुरमीत कौर जी जेड़े के SS मोता सिंह स्कूल दे अंदर टीचर भी ने और एक लंबा समय अध्यापन दे नाल ये जुड़े रहे ने। दिल्ली तो असी उन्होंने जी आए कहने हैं। गुरमीत कौर जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुसीं आओ बनिए गुरसिख प्यारा दी टीम नूं और साढ़े इत्थे जिहड़े आने वाले प्रतियोगी ने उन्होंने हमेशा मदद कर दिओ। तो तुहानूं जी आए कहने हैं। ये देखते पे हो कि प्रभजोत सिंह होरी इस प्रश्न के उत्ते आके रुक गए ने और तुहाडा सहयोग चाहते हैं। कृपा करके दसोगे किहड़ी ऑप्शन नाल जा? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रभजोत सिंह जी, आप जी इस प्रोग्राम आओ बनिए गुरसिख प्यारा नाल जुड़ के सिख हिस्टरी नाल भी जुड़ रहे हो। आप जी दे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पाई लखी शाह बनजारा जी। सरदारनी गुरमीत कौर जी कह रहे ने कि तुहानू ऑप्शन डी पाई लखी शाह बनजारा जी दे नाल जाना चाहिए है। कि आप जी उन्होंने सहमत हो? हाँ जी। गुरमीत कौर जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी प्रभजोत सिंह जी जिहड़े कि कोटकपुरा पंजाब तो साढ़े जुड़े ने उन्हां नाल तुसी उन्हां नूं अगे वधाया। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वेलकम, ऑल द बेस्ट। सतवां प्रश्न प्रभजोत सिंह जी दी स्क्रीन ते। किस सिख लड़के ने 2022 कीनिया नैशनल आटोक्रास चैंपियनशिप जीती अते अपनी जित अपने दादा सरदार जसवंत सिंह नूं समर्पित कीती जो यूनाइटेड किंगडम विच अकाल चनाना कर गए सन? तुहाड़ियां ऑप्शन ने ए अमृत मान सिंह, बी करमवीर सिंह, सी हरजीत सिंह, डी प्रभ कीरत सिंह। ऑप्शन नंबर बी करमवीर सिंह। ऑप्शन बी नूं लॉक कर दिया, देखते हैं तुसी कितों तक जवाब ठीक दिता है। तुहाड़ा जवाब बिल्कुल ठीक है। करमवीर सिंह वो नौजवान बच्चा है जिसने अपने दादा नूं जड़ा है वो समर्पण किया है। इत्थे लवांगे छोटा जिहा ब्रेक और ब्रेक तो बाद देखांगे कि की प्रभजोत सिंह होरी इत्थों दी आओ बनिए गुरसिख प्यारा का टाइटल जीत के गए ने कि नहीं।
ब्रेक तो बाद मेरे को-एंकर सरदार हरजिंदर सिंह जी इस प्रतियोगिता प्रभजोत सिंह जी जारी रखेंगे। और एक गल मैं जरूर कहना चाहवागा कि थोड़े मन च भी ख्वाहिश आती होगी कि असी भी आओ बनीए गुरसिख प्यारा दा परिवार का हिस्सा किवें बन सकते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है, हुणे स्क्रीन पर एक प्रश्न आ रहा, उस प्रश्न के उत्तर देने का माध्यम भी जिहड़ा है स्क्रीन पर दिता होएगा। कृपा करके पहले 15 विचकार तुसीं शामिल हो सकते हो और जवाब ठीक होया तो आप जी की फोटो और आपके शहर का नाम अगले हफ्ते जिहड़ा है दिखाया जाएगा। कि जायो ना, बहुत जल्दी आ रहे हैं आपका प्यारा प्रोग्राम लैके, आओ बनिए गुरसिख प्यारा। रफ्तार भरी जिंदगी विच जरूरत है समय तो अग्गे रहण दी, तरक्की दी राह ते साथियां नू नाल रखण दी। कॉन्फिडेंस है दुनिया सामने हर रूप विच खड़े होण दा, ते कॉन्फिडेंस मिलदा सिमको तो। सिमको सुप्रीम हेयर फिक्सर, सिमको क्लासिक हेयर फिक्सर, पर्सनालिटी नू निखारन वाला भरोसेमंद साथी, इसलिए आज भी अ नेम यू कैन रिलाय अपॉन, सिमको। Sameer! Wow! Just point and move! Specialist LED TV. Smart features ke saath. Main mehenga hoga. Khud dekh le. Hey! Behtareen picture, stylish design, 3 saal ki warranty. Viber, the LED TV specialist. When it's about style, it's Simcoe. Simcoe Swift Power Hairspray in Mega Strong, System Professional and Ultra Strong. Simcoe Swift Power Hairspray. Style begins with it. Sadi Maa Boli Punjabi, Padh Punjabi, Likh Punjabi, Gairat Manda, Bol Punjabi. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਬਣੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਨ 27 ਦੇ 10ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ-ਐਂਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਰੇਡੀ ਹੋ। 8th ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦੀ ਗੇਮ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਵੋਇਸ ਆਫ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ऑडियो प्ले की जाए। तेरे गुण गावा रे है बुझाए, तेरे गुण गावा दे है बुझाए, तेरे गुण गावा दे है बुझाए, ਸੱਚ ਮੈਂ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਏ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ, ਬੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਾਂ ਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ 50-50 ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਓ, 50-50 ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਦੋ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਏ ਔਰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੀ ਔਰ ਡੀ, ਥਰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਔਰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨਿੰਗ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸੁਰੀਲੀ ਔਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਲੈ ਕੇ, 9th ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਫ ਦੀ ਗੇਮ। ਦ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇੰਸਟਾਲਡ ਐਟ ਦੀ ਮੇਨ ਹਾਲ ਆਫ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਰਨਿੰਗ ਅੰਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਬਰਿਜ UK। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਏ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਬੀ ਸੈਂਟ ਜੋਨਸ ਕਾਲਜ, ਸੀ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਡੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਕਾਲਜ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਆਊਟ, ਪਲੀਜ਼। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੈਂਟ ਜੋਨਸ ਕਾਲਜ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਅੱਧ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਪਸ, ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ, ਸਿਮਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਪੋਂਸਰ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਕੋ ਔਰ ਵਾਈਬਰ TV ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਟੈਂਪਰ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ। 9 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਆਲ, ਇਨ ਲੈਵਲ 1 5 ਕੁਐਸਚਨਸ, 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਲੈਵਲ 2, 2 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨਸ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ 50-50 ਦੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦੀ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਨਾ ਔਨ ਯੂਅਰ ਸਕਰੀਨ।
गुरु नानक साहिब दे व्याह वेले गुरु साहिब ते कंध क्यों डेगी गई। ए एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद दुआले परिक्रमा बी बरात विच सारी जातां दे बंदे सी सनातनी रस्मां नूं तिलांजलि या डी ए सारे ही केड़ी ऑप्शन आप जी नूं ठीक लगती है इस इतिहासक क्वेश्चन बारे। I'll go with option D, all of the above. We will go with D option, all of these. और असी जल्दी दे नाल लॉक करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर जी आप जी दे नाल सहमत होंगे या नहीं। And it's very correct answer. So ये बड़ी ध्यान देने वाली गल है कि गुरु साहब जेडे रेवोल्यूशन जिन्होंने लियाए मनुखी इतिहास दे विच इतनी वड्डी कि उन्होंने अग्नि दे दुआले परिक्रमा नहीं लिया सारी सो कॉल्ड कास्ट नूं नाल रखिया कोई ऊंच नीवें दा भेद नहीं कीता ते सारियां प्रचलित रस्मां नूं गुरु साहिब ने तिलांजलि देती है। इस करके परमजीत सिंह जी दा जवाब ये सारे ही ठीक हो गया और असीं प्रोसीड करांगे क्वेश्चन नंबर दो वल। विच स्क्रिप्ट वॉज प्रमोटेड बाय गुरु अंगद साहिब जी विद ग्रेट एंथ्यूजियाजम। गुरु अंगद साहब जी ने किस लिपि का प्रचार बड़े उत्साह नाल कीता सी। आप जी दे ऑप्शनस ए खरोसटी बी फारसी सी गुरमुखी या डी देवनागरी। आई विल गो विद ऑप्शन सी गुरमुखी। यू विल गो विद ऑप्शन सी गुरमुखी और असी लॉक करते हैं फिर और पूछते हैं कंप्यूटर जी पासो कि वह एग्री कर दें या नहीं और वह एग्री कर गए जी। परमजीत सिंह जी आप भी प्रोसीड कर रहे हो क्वेश्चन नंबर थ्री वाल जेड़ा हूँ आप जी की स्क्रीन पर आ रहा है। इट्स एन ऑडियो क्वेश्चन कंप्लीट द नैक्सट गुरबाणी तुक फ्रॉम आनंद साहब। आनंद साहब विचों अगली गुरबाणी तुक पूरी करो। एक ऑडियो क्लिप हूँ प्ले की जा रही है। हर रास मेरी मन बन जा रहा सत गुर ते रास जानी। हर रास मेरी मन बन जा रहा सत गुर ते रास जानी। हर नित जपो जियो लाओ खटो दियाणी। एओ धन तिन्ना मिलिया चिन रापे बाण कई नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जाना। असी देखते हैं कंप्यूटर जी आप जी दे इस जवाब नाल सहमत हन या नहीं। हर हर नित जपो जियो लाहा खटो दियाड़ी बिल्कुल ठीक जवाब आ गया जी। आप जी ने बड़े सहज नाल स्पर ऑफ मूवमेंट जवाब दिता है और कंप्यूटर जी एग्री कर गए। साडे दर्शक भी घर बैठे आनंदित हो रहे हैं और साडे सारयां नूं ये इंस्पिरेशन मिल रही है कि जिस तरह आप जी ने कंठ कीती है गुरबाणी साडे दर्शक भी इस पासे वल वधणगे। सो आओ अगला क्वेश्चन हुण आप जी लई स्क्रीन ते आ रहा। वट इज़ द मीनिंग ऑफ हाईलाइटिड वर्ड इन द फॉलोइंग गुरबाणी वर्स। गुरबाणी की हेठ लिखी तुक विच उजागर होए शब्द का की अर्थ है। जग जीत्यो गुरुद्वार खेलें समत मार हथ उन्मान लिव राख निरंकार। उन्मान जिहड़ा लफज़ है उसका अपने मीनिंग दसना है हेठ लिखे ऑप्शनस दे विचो। ए उच्चा मन एलिवेशन ऑफ माइंड बी उन वूल सी ओ वाला मन दैट माइंड या डी माण करना टू फील प्राउड। आई गो ऑप्शन ए उच्चा मन एलिवेशन ऑफ माइंड। आप जी ए ऑप्शन नाल जाना चाहते हो एलिवेशन ऑफ माइंड ते अगर आप जी दा फाइनल आंसर है तो असी इस नूं लॉक कर दे हां जी। ए उच्चा मन एलिवेशन ऑफ माइंड इस ऑप्शन नूं लॉक किया जाए जी और ये बिल्कुल ठीक जवाब है। बहुत बढ़िया जी आप जी प्रोसीड कर गए हो लैवल वन दे लास्ट क्वेश्चन वाल। आप जी की लाइफ लाइन जी लैवल वन ते अवेलेबल सी वो जे जीवित है। विजुअल क्वेश्चन आप जी के सामने आ रहा है। आइडेंटिफाई द सिख विमेन स्कॉलर सिख बीबी विद्वान की पहचान करो। इमेज हूँ आप जी नूं दिखाई जा रही है। हाँ जी इमेज आप जी के सामने आ गई और हूँ आ रहे हैं ऑप्शंस। ए डॉक्टर हरजिंदर कौर बी डॉक्टर हरगुण कौर सी डॉक्टर हरशिंदर कौर या डी डॉक्टर हरजोत कौर। केड़ी ऑप्शन आप जी नूं ठीक लगती है। फॉर दिस क्वेश्चन आई विल टेक माय लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस।
एक्सपर्ट एडवाइस देने लई साडे नाल अज सरदार अपिंदर सिंह जी साउथ सिटी गुरुग्राम तो जुड़ रहे हैं। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा कि परमजीत सिंह जी इत्थे आकर रुक गए ये उन्होंने इसका ठीक जवाब दस के गेम में अगे वधाउण। इट्स ओवर टू सरदार अपिंदर सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार परमजीत सिंह जी आप जी ने डॉक्टर हरजिंदर सिंह जी ने एक इमेज विखाई है, इमेज आप जी को पता नहीं है किसकी है। इसका सही आंसर डॉक्टर हरजिंदर कौर जी इसका ऑप्शन सी ऑप्शन है। आप जी इस ऑप्शन जाओ और इन्हों की डॉक्टर हरजिंदर कौर जी दियाँ मैं बुक्स पढ़िया, इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी, तीन चार बुक्स पढ़िया और इन्हों का सोशल मीडिया से और टीवी मीडिया से होते भी इन्हों का अक्सर इन्हों की बाइक्स आती रही। और आप जी देखोगे शीज फ्रॉम पटियाला, विश यू ऑल द बेस्ट। सरदार अपिंदर सिंह जी का कहना है कि सरदार परमजीत सिंह जी जिस तरह आप जी ने सुनिया है कि आप जी नू सी ऑप्शन डॉक्टर हरजिंदर कौर नाल जाना चाहिए, कि आप जी उन्होंने इस एडवाइस नाल एग्री करोगे? हरजिंदर कौर। ओके जी, फिर असी लॉक करते हैं और देखते हैं कि आप जी लैवल वन क्रॉस कर गए हो। सी ऑप्शन नू लॉक किया और आप जी का जवाब बिल्कुल ठीक हो गया है जी। असी मिल के धन्यवाद कर लें सरदार अपिंदर सिंह जी का। थैंक यू सो मच अपिंदर सिंह जी। सरदार परमजीत सिंह जी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ बनिए गुर सिख प्यारा। असी अपने दर्शकों नाल शेयर कर लिए कि डॉक्टर हरजिंदर कौर नोन एज धी पंजाब दी डॉटर ऑफ पंजाब एंड ऑनर्ड एज स्टील विमेन ऑफ इंडिया बाय नैशनल दूरदर्शन। असी अपने दर्शकों को अज इत्थे इजाजत लवेंगे क्योंकि शो का समा समाप्त हो गया है। अगले हफ्ते सरदार परमजीत सिंह जी साढ़े रोल ओवर कंटेस्टेंट होंगे, इन्हां नाल असी लैवल टू तो गेम आरंभ करांगे और साढ़े दर्शक वॉच करनगे कि सरदार परमजीत सिंह जी जिहड़े डॉयचे बैंक विच एज ए वाइस प्रेजिडेंट काम कर रहे हैं वह किस तरह परफॉर्म करते हैं। तद तक लिए दियो इजाजत। साढ़े अज तक के सारे एपीसोड्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जी देख के शेयर करके प्रचार के काम में सहाई हो सकते हो। रब रखा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।